सबसे पहले जयपुर के एस्केलॉन अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अरविंद शुक्ला को सुनिए और अंदाजा लगाइए कि लड़की की हालत उस वक्त क्या रही होगी जब उसे इलाज के लिए अस्पताल लाया गया होगा। तो थोड़ा ज्यादा ही खराब तरह का था, वुंड को अच्छी तरह से रिपेयर कर दिया गया। 7-8 डॉक्टरों ने मिलकर उसको किया, जिनमें प्लास्टिक सर्जन थे, गायनी के लोग थे, और 2.5 घंटे के करीब सर्जरी चली। सुना आपने, जख्म ऐसे थे कि अस्पताल के 8-8 डॉक्टरों को बच्ची की सर्जरी करनी पड़ी। उसका बहुत सारा खून बह गया था, उसे स्लाइन के साथ साथ खून भी चढ़ाना पड़ा। उसकी सर्जरी में एक्सपर्ट सर्जन, पेडियाट्रिशियन से लेकर गायनिक एक्सपर्ट तक शामिल थे। बच्ची की हालत ऐसी थी कि उसकी रोजमर्रा की शारीरिक जरूरतों के लिए डॉक्टर को उसे ऑपरेट कर वैकल्पिक रास्ते का इंतजाम करना पड़ा, लेकिन प्रशासन का कहना है कि उसके साथ रेप हुआ ही नहीं। पता नहीं वो कौन सा कानून है, कौन सी मजबूरी और कौन सी टेक्नोलॉजी जिसकी बदौलत खुद एक महिला एसपी बच्ची के साथ हुई इस ज्यादती को रेप मानने से इनकार कर रही है। लेकिन सच्चाई यही है कि बच्ची के साथ जो कुछ भी हुआ वो रेप के सिवाय किसी और जुर्म में तो शायद हो ही नहीं सकता। सूत्रों की माने तो मंगलवार शाम को बच्ची एक ऑटो में बैठकर अलवर शहर पहुंची थी, जहां 7:30 बजे वो एक CCTV कैमरे पर पैदल गुजरती हुई दिखी और 7:45 बजे वो एक सड़क किनारे पड़ी हुई मिली। ऐसे में पुलिस इन 15 मिनटों का सच पता करने के साथ साथ उसके गुनहगारों का भी पता लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसकी बातों से लगता है कि तफ्तीश आगे बढ़ने से पहले ही भटक गई है। पुलिस की माने तो उस समय उस ऑटो ड्राइवर को भी एग्जामिन कर लिया गया है जिसने उस लड़की को शहर तक छोड़ा था, और उस ऑटो की फॉरेंसिक जांच भी कर ली गई है जिसमें बैठकर वो वहाँ आई थी, लेकिन इसमें उसे कुछ नहीं मिला। लेकिन बच्ची के साथ जैसी वारदात हुई है और जिस तरह उसके प्राइवेट पार्ट को जख्मी कर दिया गया, वो कम से कम एक एक्सीडेंट के केस में तो मुमकिन नहीं लगता। किस समय लड़की टेम्पो में बैठी थी, आप उस समय कौन सी लोकेशन पर थे? 12:05 पर बैठी। कहाँ पर थे, कहाँ से पिक किया और उसके आगे का क्या घटनाक्रम था? हम अकबरपुर स्टैंड से चलते हैं, फिर 1:05 के करीब वो लड़की वहाँ से बैठी, उन्होंने हाथ दिया था, रोड पे खड़ी थी, तो हाथ दिया, मैंने रोक ली, वो बैठ गई, उसके बाद मैं चल दिया। कितनी सवारियां थी गाड़ी में उस समय? 13 सवारी थी सर। और ये बताएं कि ये जो लड़की है मूक बघिर, वो कहाँ पर उतरी थी, कितनी दूर है वो जगह अकबरपुर से? 20 किलोमीटर है और वो मोनिया की प्याऊ थी। बहरहाल, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा देने वाली कांग्रेस के लिए अब इस मामले के सामने आने के बाद जवाब देते नहीं बन रहा। कांग्रेस की नेता प्रियंका वाड्रा रणथंबोर में परिवार के साथ छुट्टी मनाने एक रिसोर्ट में पहुंची थी। बीजेपी के नेताओं ने उनका वहीं घेराव कर दिया। विरोधी दल के लोग उनसे पीड़ित परिवार से मिलने जाने की बात कह रहे थे, लेकिन प्रियंका रिसोर्ट से बाहर तक नहीं निकली। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।